केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को लागू करने जा रही है। अगले वित्त वर्ष तक इसके लागू होने की संभावना है। इस कानून के लागू होते ही आपके टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा, जिससे आपकी टेक होम सैलरी घट सकती है जबकि भविष्य निधि यानी पीएफ में बढ़ोतरी हो जाएगी। मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम संहिताओं को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदे नियमों को तैयार कर लिया है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50% के हिसाब से तय किया जाएगा। पीएफ में कर्मचारियों का योगदान बढ़ने से कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही बेसिक सैलरी का मतलब है ग्रेच्युटी की रकम भी अब पहले से ज्यादा होगी और ये पहले के मुकाबले 1 से 1.5 गुना ज्यादा हो सकती है। नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरी क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर होगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल खड़े किए थे। सरकार ने इस पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे काम का नियम बना रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।